खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर का, महाराष्ट्र में अमित शाह की सभी रैलियां रद्द हो गई हैं। गृह मंत्री नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज विदर्भ में होने वाली सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। नागपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो गए हैं और बताया जा रहा है कि आज उनकी कोई भी रैली नहीं होगी। इसके पीछे की क्या वजह है ये अब तक सामने नहीं आई है। बता दें आपको कि अमित शाह नागपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। विदर्भ में आज अमित शाह की रैली थी लेकिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली नहीं होगी जो कि विदर्भ में होने वाली थी, क्योंकि अब वो नागपुर से वापस दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। बता दें आपको अमित शाह की सभी रैलियां आज रद्द हैं। गृह मंत्री नागपुर से एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो महाराष्ट्र के लिए चुनाव की अगर बात करें तो 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और अब चुनाव में जो महज है 3 दिन बाकी रह गए हैं। उसके पहले चुनाव प्रचार का शोर 48 घंटे पहले थमेगा। उससे पहले चुनावी सभाएं लगातार हो रही थी और यहाँ पे प्रचार प्रसार का जो सिलसिला लगातार जारी रहा, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, क्या वजह है अमित शाह की रैली रद्द होने की? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा जो है अचानक रद्द हो गया और अमित शाह जो है नागपुर से फिलहाल दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदर्भ में रैली होने वाली थी लेकिन जो रैलियां हैं उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अमित शाह जो है इस वक्त दिल्ली आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी थी और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कुछ अहम बैठकें जो है वो अमित शाह करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ है लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से मणिपुर की बात करें उनको वहां पर हालात देखने को मिलते हुए नजर आए थे, उसके संदर्भ में माना जा सकता है कि दिल्ली में कोई बड़ी बैठक जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में जो है अचानक से अगर हम बात करते हैं तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनका जो नागपुर दौरा है, माफ कीजिएगा, जो विदर्भ का दौरा था वो रद्द होता हुआ नजर आया। अमित शाह नागपुर में मौजूद थे और नागपुर से फिलहाल जो है अमित शाह दिल्ली जो है रवाना हो चुके हैं। स्पर्श, ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अब इन सभी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो ड्यूटी है वो जो है नेताओं की जो है लगाई जा रही, हो सकता है कि उसमें स्मृति ईरानी जो है जो रैली है वो रद्द करती हुई, माफ कीजिएगा, जो रैली है वो संबोधित करती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अमित शाह के संदर्भ में हमारे पास ये जानकारी है कि आज जो है उनकी 4 रैलियां जो है प्रस्तावित थी लेकिन चारों ही रैलियों को जो है फिलहाल जो है रद्द जो है कर दिया गया है और अचानक से जो है इस तरीके से कार्यक्रम रद्द होने के बाद जो है अमित शाह फिलहाल दिल्ली के लिए जो है रवाना हो गए हैं। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो आगे के कार्यक्रम है वो जो है देखने को मिलते हुए जो है अमित शाह के जो है नजर आएंगे। लेकिन जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक जो है दिल्ली में हो सकता है कि जो बड़ी बैठकें हैं वो होती हुई जो है नजर आएंगी और उसी के कारण जो है फिलहाल अमित शाह की जो 4 रैलियां होने वाली थी उनको जो है फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल स्पर्श, और क्या कुछ वजह रही है दिल्ली में क्या मंथन होना है इस पर भी हमारी नजर होगी, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 4 रैलियां होनी थी और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि 4 जनसभाओं को आज संबोधित नहीं करेंगे अमित शाह। क्यों हुआ ऐसा फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठकें हों जिसके चलते अमित शाह को नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा है। बता दें आपको कि आज अमित शाह की गढ़चिरौली, वर्धा, काटोल और सांवेर में चुनावी जनसभा होनी थी और 4 जनसभा आज रद्द हुई है, 4 रैलियां रद्द की गई हैं क्योंकि अब अमित शाह नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में हो सकता है मंथन हो, यही वजह है कि आज उनकी रैलियां रद्द। और महाराष्ट्र के रण की अगर बात करें तो 20 नवंबर को यहां पर चुनाव होने और 23 नवंबर को नतीजे सबके सामने होंगे कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती है।